नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र फड़तरे और आज हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाण अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाण तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे थर्मामीटर। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप में से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, एक पेट्रोल पंप में लगाया एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है, तथा उसके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पर दिखाता है। एनालॉग कंप्यूटर केवल एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए काम में आते हैं। एनालॉग डेटा जनरली ब्रेक नहीं होता है। एनालॉग कंप्यूटर को किसी भी प्रकार की स्टोरेज कैपेबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सिग्नल ऑपरेशन में ही डेटा को मेजर कंपेयर कर लेते हैं। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद एनालॉग कंप्यूटर का आउटपुट जनरली एक कंटिन्यूस सीरीज में होता है, जैसे कि कार के स्पीड मीटर की रीडिंग या फिर ग्राफ और चार्ट के रूप में। यही है एनालॉग कंप्यूटर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।